गुरदासपुर के गांव खोखर के पास गांव सिंधवा जमीता के निजी स्कूल की बस बच्चे स्कूल लाते समय बारिश होने की वजह से मोटरसाइकिल को रास्ता देते समय खेतों में पलट गई। इस हादसे में 6-7 बच्चों को चोट आई है, जबकि बस की हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गई है। वही इलाज के लिए अस्पताल लाए गए बच्चों के साथ था स्कूल प्रशासन द्वारा मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कैमरे से भागते नजर आए। स्कूल प्रशासन द्वारा घायल बच्चों के एक्सरे करवाने के बाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर को बिना पूछे बच्चों को वहां से लेकर चले गए। स्कूल प्रशासन द्वारा पलटी बस को जल्द ही सीधा करवाकर स्कूल के अंदर खड़ा कर दिया गया। इस मामले की पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई, जहां स्कूल प्रशासन मीडिया से अपने आप और घायल बच्चों को बचता दिखा, वहीं अस्पताल के कर्मचारियों की भी अनदेखी दिखाई दी। अस्पताल स्टाफ को पता ही नहीं चला कि कब स्कूल प्रशासन बच्चों को अस्पताल से लेकर चले गए। जानकारी देते हुए डॉक्टर सुखराज ने बताया कि उनके पास स्कूल बस पलटने से 6-7 बच्चे और एक बस हेल्पर इलाज के लिए आए। उनको प्राथमिक सहायता देने के बाद एक्सरे करवाने के लिए भेज दिया गया। उनको एक्सरे करवाने के बाद 2 घंटे के लिए अस्पताल में रुकने के लिए कहा था, पर वो बिना पूछे बच्चों को लेकर चल गए। हमने अभी इंफॉर्मेशन पुलिस को भेजनी थी, पर वे पहले ही चले गए। सिद्धवा स्कूल के बच्चे आया, कोई 6-7 बच्चे है जेड़े, ये पता लगा कि बस पलटन के नाल आए आ। उन्होंने ट्रीटमेंट दे के उस तो बाद उन्होंने एक्सरे करवाए गए आ। एक्सरे करवाने बाद उन्होंने इतने 2 घंटे वास्ते रुकने लिए कहा, पर वो बिना इजाजत तो अपने बच्चों को लैके चले गए आ। अजय उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिख के पुलिस को ईवन भेजनी सी, पर इन्फॉर्मेशन भेजे बिना ही चल गए। उन्होंने नाल जो उन्होंने टीचर है, एक पादरी साहब है, कोई वो 2-3 जने है, मतलब एक टीचर है शायद, एक उन्होंने अटेंडेंट है नाल, एक पादरी साहब है। नहीं, ये नहीं पता की कारण है। मतलब मैं तो उन्होंने कहा 2 घंटे रुको, मैं पूरा जाँच हजे हो जाएगी, पूरी तरह स्टेबल हो जाएंगे, फिर ही भेजा। एक बच्चे का थोड़ा जहा मे भी हो सकता छाती दब लगी हो, पर स्टाफ मैंबर मेरे ख्याल कोई नहीं इंजर हो, ज़्यादा बच्चे हुए, एक हेल्पर है सर। हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर फ्रांसिस्को ने बताया कि बच्चे सभी ठीक है, हेल्पर को मामूली मोच आई है, वह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। अपना पल्ला झाड़ते हुए सिस्टर ने कहा कि मैं तो अस्पताल में गई नहीं थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बच्चों को हमने पेरेंट्स को सौंप दिया है क्योंकि बच्चों की वर्दी भीग गई थी। उनका कहना था कि कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ है, केवल बस हेल्पर ही घायल हुई है। सिस्टर ने माना कि बस पलटी है, पर स्कूल प्रशासन ने मानने को तैयार नहीं हुआ कि बच्चों को भी चोटें आई है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्कूल प्रशासन दुर्घटना की बात छुपाना चाहता है, ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की बच्चों के प्रति अनदेखी जरूर नजर आ रही है। कोई बात नहीं है, सारे ठीक ठाक हैं, एक ही लड़की को जो हेल्पर थी उनको थोड़ा मोच आ गया पैर में, और कोई बात नहीं है, बाकी सारे ठीक ठाक हैं। उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे तो अंड उन्होंने मेरे ख्याल ट्रिप लगा दिया, वैसे वो शीस ओके। तो ऐसे मैं तो हॉस्पिटल में गई नहीं और मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। वो आपसे सुना मैंने, आपने बोला आप बच्चों को ले गए, जितने बच्चे पेरेंट्स इधर आए हैं पेरेंट्स को हमने हैंडओवर कर दिए बच्चे, क्योंकि बच्चे थोड़ा भीग गए थे, ड्रेस गंदी हो गई थी। वैसे बच्चे सारे ठीक हैं, ड्रेस गंदी होने की के लिए हमने उनको घर में भेजा, चेंज वगैरह कर लेंगे। कोई भी नहीं, एक ही बस लड़की। वैसे बाय चांस इफ दे हैविंग समथिंग लाइक दिस ना, कुछ उनको दर्द वगैरह है तो थोड़ा सा डाउट में उसको लेके गए, अगर दर्द दुर्द है तो 1-2 बच्चे को भेजा था, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल रहे थे, तो कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ। कोई बात, कारण मैं बताती हूँ, इधर खोखर स्कूल के पास ही है, थोड़ा खेत में, तो उधर एक बच्चे को चढ़ाया उन्होंने, चढ़ाने के बाद एकदम अभी शुरू किया तो आगे से मोटरसाइकिल आ रहा था, तो उनको मोटरसाइकिल को साइड देने के लिए थोड़ा सा ये साइड में गाड़ी किया तो स्लिप हो गया, दैट्स ऑल। गुरदासपुर से नेशनल बस के लिए भोपाल सिंह की रिपोर्ट।